दिनांक 22/2/2019, खरगोन, नारी शक्ति का पैगाम, मोदी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम। आशा और सहयोगिनी बहनें नियमितीकरण को लेकर पहुंची जिला मुख्यालय, जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन के माध्यम से दिया संदेश। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद एक बार फिर आशा और सहयोगिनी बहनों ने मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, ये वो बहनें हैं जिनके नियमितीकरण की मांग को नजरअंदाज करने वाले शिवराज मामा को करारी हार का आईना दिखाकर बहनों ने नारी शक्ति का बोध कराया था। इसी कड़ी को लेकर राज्य में बैठी कमलनाथ सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के नाम अपनी मुख्य मांग नियमितीकरण को लेकर आशा और सहयोगिनी बहनों ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। इस दौरान गुरुवार को आशाओं ने जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। मीडिया से खास बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष रेखारण छोरे का मानना था कि शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने में हम बहनों की अहम भूमिका रही है। ज्ञापन के माध्यम से मांग मनवाने आई आशा बहनों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ सीमा सुरक्षा में भूमिका अदा करने की बात कहते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की ताकत नारी शक्ति रखती है। आशा नारी शक्ति रूप में सड़कों पर उतरी बहनों ने जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संदेश दिया है। जिला खरगोन से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। चिंगारी है हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी है। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। लाइन से खड़े हो जब लाइन से देखो, अरे वहाँ लग जाना, वहाँ ले लेंगे, तुम जाओ चलने दो, जाओ जाओ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अपने भारत में इतने सारे जवान शहीद हुए हैं, उनके सबके लिए आशा सहयोगियों और आशाओं को भी बेहद दुख है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ वीर जवान इतने शहीद हुए हैं तो हम आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों ने उसके लिए श्रद्धांजलि भी दी है और उनके लिए हमने बहुत दुख हुआ है। हम सबसे पहले तो हम ये बोलने चाहेंगे कि उनके परिवार को, माता पिता और परिवार को, कि आप ये मत सोचो कि माँ ये नहीं सोचे कि हमने हमारा बेटा खोया। हमको लगता है कि हम सब माओं ने हमारे बेटे खोए हैं। हम ये चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को भी, सबको ये दुख है और ग्रामीण महिलाओं से लगा के शहर महिलाओं तक ये दुख हुआ है कि हमारे भारत के इतने अच्छे वीर बहादुर हमारी जो सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं वो आज शहीद हुए। सब में आक्रोश है, हम भी चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान में अगर हमारे जैसे उनकी भी जरूरत पड़ी तो हम बिना हिचक लड़ पड़ेंगे। इसलिए हमें भी बहुत दुख है और इसके साथ साथ हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो आशा कार्यकर्ता और सहयोगी भी 10 से 15 गांव कार्य कर रही है उसके बावजूद भी उसको वेतन मानदेय बराबर नहीं मिल रहा है, तो और आशा कार्यकर्ता भी कब से काम कर रही है उसको भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। अभी 1000 रुपए का भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है तो उससे उसका घर नहीं चल सकता। पिछले जो शासन थी, पिछली राज्य शासन थी, जब भी हमारी मांगे थी मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन भी किया था और हम उनको बार बार ये आवेदन भी देते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, पर मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे बारे में नहीं सोचा। फिर आशा कार्यकर्ता ने सोच लिया कि हमको इस बार शासन बदलना है, तो इस बार हम आशा कार्यकर्ताओं ने हमारी जो भी मन की इच्छाएं थी वो पूर्ण की है। हम चाहते थे कि अगर नई शासन आएगी तो नई उमंग आशाओं के लिए और सहयोगी के लिए लेके आएगी। हम चाहते हैं कि आप कमलनाथ जी से भी हमारा निवेदन है कि ये मत सोचिए कि आशाएं कमजोर है, आशाएं कमजोर नहीं है। अगर शासन बदलना है तो आशा कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से बदल दिया है। मैं दूसरी पहली बात तो ये बोलूं कि गरीबों पे अगर नहीं ध्यान दिया, आशा कार्यकर्ताओं और महिलाओं पे नहीं ध्यान दिया गया और अत्याचार हमेशा बढ़ता रहा तो फिर आशा कार्यकर्ताओं और सब महिलाओं की आपसे भी जो विश्वास है वो उड़ जाएगा। इस बार पूरी ताकत लगा दी है। क्या मांग की आपने? हमने यही मांग की है कि जो भी आशा कार्यकर्ता और सहयोगी है उसको नियमित किया जाए और उनका मानदेय जो है वो आंगनवाड़ी के बराबर आशा को कर दिया जाए और 26,000 रुपए सहयोगी को दिए जाए। क्या नाम है आपका? रेखा रणछोड़े, जिला अध्यक्ष, खरगोन।